नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। रागिनी तिवारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अरे वो गाड़ी वाला नहीं बोल रहा हूँ, मतलब वो दूध की गाड़ी वाला नहीं, एक दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रागिनी तिवारी जी कह रही हैं कि 17 तारीख को किसान आंदोलन की जो सड़कें हैं वो खाली कराएंगी। ये दूध वाली का भी इतना डिमांड हो गया है, इतने भाव चढ़ गए हैं नरेंद्र मोदी सरकार में कि चूतिया चूतिया लोग भी आके औकात से ज्यादा भौकाल पेल जाते हैं। जरा सुनिएगा ये दूध गाड़ी का नया दावा क्या है। अरे विधर्मियों, तुम जानते हो, तुम्हारी साजिश को मैं नहीं समझ रही हूँ। रुचि बहन, जानवी दिव्या बहन, अंजलि बहन समेत जानकी धाम की सारी बहनों को मैं कह रही हूँ जो 17 तारीख को तैयारी करिए। अगर किसान आंदोलन से सरकार मुक्त नहीं कराती है किसानों से दिल्ली को, तो फिर से जाफराबाद रागिनी तिवारी बनाएगी और जो होगा उसकी जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकार होगी, दिल्ली पुलिस होगी। जय श्री राम। हे भारत के राष्ट्रवादियों, 17 को रागिनी तिवारी का साथ दीजिए, हम तो निपट ही लेंगे किसान आंदोलन से, मैं खाली कड़ा ही दूंगी। तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, कुछ तो माखन चोर, कुछ तो बहुत ही माखन चोर। तो ये बहुत ही माखन चोर में आने वाली औरत है। मैं कहना चाहता हूँ रागिनी तिवारी जी, आपने जो जो कहा है हम उसे गंभीरता से लेते हैं और देखना चाहते हैं कि 17 तारीख को आप ये सड़कें जरूर खाली कराएंगी। हमें पूरा विश्वास है और हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आइए और इसे जाफराबाद बना के दिखाइए। अगर आप ये आकर सड़कें ना खाली करा पाई और फिर से जाफराबाद ना बना पाई, तो मैं समझ जाऊंगा कि पूरे जाफराबाद ने मिलकर तुम्हारी शहनाई बजाई थी, तब जाके रागिनी तिवारी आई थी। मैं बताना चाहता हूँ, एक खुला चैलेंज है रागिनी तिवारी, कपिल मिश्रा, उपदेश राणाउस जैसे तमाम भोसड़ी वालों को, तमाम भड़वों को, कि अगर सही में तुम्हें तुम्हारे एक बाप ने पैदा किया है और तुम्हारे शरीर के अंदर अगर एक बाप का खून है, पूरे मोहल्ले भर की मेहनत का नतीजा तुम नहीं हो, तो तुम आओगी 17 तारीख को किसान के आंदोलन की हो रही जगह पे जो सड़कें जमा है उसे जरूर खाली कराओगी। और अगर तुम सब मिलकर, न केवल रागिनी तिवारी, वो कपिल मिश्रा भड़वा, उपदेश राणा भड़वा और उस तमाम जैसे सारे भड़वों को और भोसड़ी वालों को मैं खुला चैलेंज देता हूँ, अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो रागिनी तिवारी के साथ जरूर आना और इस सड़कों को खाली करके जरूर दिखाना। और अगर ना कर पाए तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हारे रगों में बहता हुआ खून किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, तब जाके तुम जैसा संडास इस धरती पर बोझ बन के पैदा हुआ और सबके सामने मुंह से हग रहा है। मैं इंतजार करूंगा 17 तारीख का, रात 12 बजे तक इंतजार करूंगा। और अगर रागिनी तिवारी ये सड़कें खाली ना करा सकी तो मैं मान जाऊंगा, मेरे साथ पूरा देश ये गवाही बनेगा कि रागिनी तिवारी को पैदा करने में किसी एक का हाथ नहीं है, पूरे महल्ले ने कितनी ही रातें मेहनत की होंगी, कितनी ही सदियों तक मेहनत हुई होगी, तब जाके इस जैसी संडास पैदा हुई होगी। हम इंतजार करेंगे और हम चाहते हैं रागिनी हमें इस तरह के हमारे जो दावे हैं उसको गलत साबित करे और अपने आप को एक बाप की औलाद साबित करे, आए और सड़कें खाली करके दिखाए। हम इंतजार कर रहे हैं रागिनी तिवारी, और आपको वचन है, आपको जिससे भी आप सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं, जिसे मानती है, उसकी कसम आपको मैं देता हूं कि अगर आप सही में एक बाप की औलाद है तो आइएगा और इसे खाली करा के दिखाइएगा। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, अपने हल में तेल लगाना, खास तौर पर राई का तेल लगाना शुरू कर दें, क्योंकि इन जैसे भोसड़ी वाले आएंगे, इनके पिछवाड़े को जोतना है और उसमें गन्ने की फसल उगानी है, तैयारी करके रखें। अगर ये आते हैं तो इनकी जुताई जरूर होनी चाहिए, इसका इंतजाम करके रखिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।